मान लो कि यहां का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो कि यहां का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाई थिकनेस को अपने बात करते हैं, तो ध्यान से देखें, देखो अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं बेकार। मान लो कि y लेयर बन चुकी है, जो लेयर है उसका एरिया a मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं a, अपन बात को समझे। अब मान लो कि t से लेकर t+dt टाइम में, ये टाइम पे सिचुएशन थी, मान लो कि t से लेकर t+dt टाइम में dy मोटाई और बन गई, कितने टाइम में, समझ में आया? मान लो t टाइम पे y थिकनेस थी, अच्छा हमने जो नीचे टेम्परेचर माना क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना, कितना माना 0, और ऊपर -2 डिग्री, तो एनर्जी कहां से कहां जा रही है, क्या नीचे से ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया, वाह वाह। अब देख नीचे से ऊपर जा रही है, डीटी टाइम में क्या हुआ, क्या इतनी लेयर जम गई, इतनी लेयर ओ हो, इतनी लेयर जमी। अच्छा अब सोच कि ये लेयर जमी अगर, तो एनर्जी गई कि आई, वही तो यहां से आ गई, इसका मतलब यहां से आ कितनी एनर्जी गई, जो इसने जमाई, जो यहां से आ एयर गई डीटी टाइम में, कितनी, डीटी टाइम इतना छोटा है, डीटी टाइम इतना कि अपन ये वाई को लगभग कांस्टेंट मान लिया है, क्योंकि वाई से डीवाई में इंक्रीमेंट हुआ है, कोई शक वाली बात। अब सोच यहां से आता, इसे थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं, ऑफ के जो भी मान लिया अपन मान लेते हैं, ठीक। अब सोच यहां से जो एनर्जी गई, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना, टी माइनस जीरो की जीरो माइनस टी, जीरो माइनस ऑफ माइनस टी, तो क्या टी नहीं आया, अगर ध्यान दे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, जीरो माइनस ऑफ माइनस टी, दैट इज टी, दैट इज के एरिया ए। एल कितना भाई कितना ओहो। अब सोचो ये हीट क्या चीज, बेसिकली ये हीट करंट है dQ/dt, तो बहुत ध्यान से देखो, dQ जो छोटी सी हीट आई वो आई tt टाइम में, वो लिखी गई kAT/y into dt। यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का, अरे सोच ले 101% पक्का। अब और ये देख, dQ जो हीट ट्रांसफर हुई dt टाइम में, इसने करा क्या, कितनी इसने इतनी आइस पिघला दी, सॉरी जमा दी, इसने इतनी आइस, कितनी आइस को जमा दिया इसने, उसका मास कितना है जो आइस जम गई, उसका मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितनी जमा दी ए डी वाई। नहीं आया भाई, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात भाई, रो तो डेंसिटी, रो तो ए एरिया और डी वाई, या इस हीट के निकलने से यही तो वॉल्यूम जमी, अरे जमी कि नहीं जमी, नहीं आया, ये वॉल्यूम जमी। तो क्या होती है जो हीट होती है, जो हीट निकली वो कितनी है, एम एल वी, एल क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन, अरे सही तो बोल रहा हूं यार, क्या वो सही तो बोल रहा हूं, MLF जो भी लिख रहा है ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले जो बोला चमका, और एम ये रहा, देखना को गड़बड़ती हूं, क्या डी क्यू को लिख सकता हूं, रो ए डी वाई इंटू एल एफ इक्वल्स टू के ए टी बाई वाई डी टी, वाई को उधर ले जाऊं, यार भाई नहीं आया, तो क्या लिखा, वाई डी वाई इक्वल्स टू के ए टी बाई रो, ए ने ए को मार दिया क्या, ए ने ए को मार दिया, तो के टी बाई रो एल एफ डी टी, वाई अंदर आएगा, सॉरी वाई डी वाई जीरो टू वाई जीरो टू टी, क्या वाई स्क्वायर बाय टू आया, अरे कितना आया, क्या यू विल गेट वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, व्हाट यू विल गेट, यही सवाल आपकी शीट में भी था, यही सवाल आपकी शीट में, जो भी आंसर है आ गया वो तो ठीक है।
अरे भाई तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया, यह है फ्रीजिंग ऑफ लेक। फ्रीजिंग ऑफ लेक, मान लो कि एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है M1, इसकी स्पेसिफिक हीट है S1, इसे एक रॉड कनेक्ट करी गई लेंथ L, एरिया A, कंडक्टिविटी K दूसरे कंटेनर से जिसमें लिक्विड भरा हुआ है M2 और उसकी स्पेसिफिक हीट है S2। मैंने तुम्हें एक टेम्परेचर चेंज वाला तो करा दिया था ना, है ना? ऐसा बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि ये T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, T=0 की सिचुएशन है पहले तो, और ये T1 ग्रेटर देन T2 है, पहले तो इसका टेम्परेचर T1 घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, पक्की बात, और T2 बढ़ेगा। आपसे पता है सवाल क्या पूछा गया? अच्छा, इसमें दोनों टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, इसमें बोलो क्लियर। आपसे पूछा गया चेंज इन डेल्टा टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बताना है आपको। क्या चीज बतानी है आपको? डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर व्हाट? इसका टेम्परेचर एट एनी टाइम टी माइनस, क्या दोनों का टेम्परेचर समय के साथ अब चेंज हो रहा है? दोनों का टेम्परेचर अब समय के साथ, उन्होंने यही पूछा कि दोनों का चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी, वो भी अगर इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या दोनों का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है? इसमें तो कोई सवाल ही बात नहीं है, पर दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। उसने पूछा जो दोनों के बीच का चेंज इन टेम्परेचर है उसको टाइम का फंक्शन बताना है। या तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया, एकदम पक्का सोच लो 101%। ट्राई करेगा तू? मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पे टीएच है, कितना है टीएच, और इसका टेम्परेचर टीएल है, टी मतलब एच मतलब हायर, एल मतलब किसी भी टाइम टी पे, ठीक। टी से लेकर टी प्लस डीटी टाइम में इसका टेम्परेचर टीएच प्लस DT1, हाँ डीटी, वो DT1 का बोला टी फाइनल माइनस, तो माइनस है, परेशान होने की कोई जरूरत? तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, पक्की बात ऐसे। अच्छा, इसका टी लोअर प्लस DT2, DT1 इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल सोर्स इन टाइम T2 टी प्लस DT, DT2 इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिंकिंग टेम्परेचर फ्रॉम टाइम T2 टी प्लस DT। इस DT दौरान क्या ये टेम्परेचर TH और TL कांस्टेंट माना जा सकता है? इस DT के दौरान, अरे यार, तो इस DT के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुआ वो तो KA/L TH माइनस TL है। नहीं आया, नहीं आया, दैट इज डेल्टा टी। मुझे यही चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तुम्हें समझ, ये क्या चीज है? डेल्टा टी इस टाइम पे, डेल्टा टी, तभी तुमने टीएच माइनस टीएल लिखा, और इतनी हीट है, DQ/DT है। क्या चीज है ये? DQ/DT। अब सुने, ये जो DQ ट्रांसफर हुई ना यहां से यहां, इस DQ ने इसका टेम्परेचर तो घटाया और उसका, इसका कितना घटाया इस DQ ने? M1 S1 DT1। नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे पक्का, अरे सोच ले,
एकदम पक्का 101% गारंटीड। अच्छा DT1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इसलिए माइनस लगा लो। इसलिए क्या लगा लो? क्या लगा लो? क्या लगा लो? माइनस। क्या ठीक है, माइनस प्लस में बाद में समझा दूंगा। ऐसे ही इस DQ ने क्या काम करा? इस DQ ने क्या काम करा? इस DQ ने उसका टेम्परेचर। तो M2 S2 DT2 अब ध्यान सुनना, DQ बाई M1 S1 इक्वल्स टू माइनस DT1 एंड DQ बाई M2 S2 इज DT2। अब बात समझना चाहिए, थोड़ी फील करना। ये माइनस DT1 इज बेसिकली ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि DT1 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि T फाइनल माइनस, तो उसका टेम्परेचर घटा है, तो DT1 नेगेटिव क्वांटिटी, इसे नेगेटिव लगाया गया। पहले था जो बोला चमका। अब बात को समझो, ये टेम्परेचर मान लो ये चीज 1 डिग्री है, कितनी है 1 डिग्री, मतलब क्या उसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटा? ये चीज है 2 डिग्री, कितना 2 डिग्री, तो कुल मिला के चेंज इन टेम्परेचर कितना है 3 डिग्री। कंफ्यूज मत हो, ये घटा 1 और ये बड़ा 2, तो कुल मिला के चेंज इन टेम्परेचर में चेंज कितना आया? नहीं आया भाई, नहीं आया। अरे भाई नहीं आया, अरे भाई नहीं आया, अरे भाई नहीं आया। तुम्हें चमकारी में क्या कह रहा हूं, अच्छे समझ कि DT1 माइनस DT1 इज द चेंज इन टेम्परेचर इन द फर्स्ट स्लॉट। अरे यार, एंड DT2 इज द चेंज इन टेम्परेचर इन द, अब समझो एक बार समझो कि मान लो टी से लेकर टी प्लस DT टाइम में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटा, 1 डिग्री मतलब माइनस DT1 के लिए 1 डिग्री। अरे यार, और मान लो कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा, तो ये वैल्यू 2 डिग्री है। बोल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं है, है ना? सोच तो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? 3। ये चेंज इन टेम्परेचर है 3 की चेंज इन टेम्परेचर चेंज में चेंज है? डेल्टा टी में चेंज 3 डिग्री हुआ है। अरे यार, क्योंकि ये घटा बड़ा, घटा 1 डिग्री से और ये घटा, सॉरी ये बड़ा, तो 3 डिग्री का चेंज आया ना किसमें? डेल्टा टी में। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया। तू इन दोनों को जोड़ेगा तो ध्यान सोच क्या हुआ, DQ बाई M1 S1 प्लस DQ बाई M2 S2 इज बेसिकली माइनस टाइम्स डी ऑफ डेल्टा टी। इसे समझो पहले, तो ये चेंज इन टेम्परेचर में चेंज है। अच्छा, मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है? पहले अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 100 था, अब कम हो रहा है कि ज्यादा? कम हो रहा है ज्यादा? कम हो रहा है ज्यादा, इसलिए माइनस लगाया। क्योंकि डी ऑफ डेल्टा टी इज व्हाट? डी ऑफ डेल्टा टी इज बेसिकली डेल्टा टी फाइनल माइनस डेल्टा टी इनिशियल, और जाहिर सी बात है कि बाद का टेम्परेचर डिफरेंस कम है और शुरुआत का टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए माइनस लगाया। और ये चीज इन दोनों का समेशन ही है। यार फील करनी पड़ेगी भाई साहब, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अरे समझ आया या प्राण प्रकीर्ण निकल गए? अरे आया? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एकदम पक्का? आप देख DQ के लिए आंसर रख दे, वो नहीं देख DQ के लिए वहां से रख दो, देख गंदा सा आंसर आएगा पर होता वही है। देख कैसे उधर सुनना, DQ के लिए यहां पे रख, DQ के लिए कितने ही देखना जरा, कहां गया मैं? KA/L 1/M1S1 + 1/M2S2। अरे कंफ्यूज नहीं, ये क्या चीज है बताना मुझे? डेल्टा टी, ये TH-TL क्या चीज है? कंफ्यूज नहीं हो, क्या चीज है? डेल्टा टी। कंफ्यूज मत होना, देख इधर ध्यान से, डेल्टा टी इंटू DT
नहीं कुछ गड़बड़ करी मैंने। हाँ सही तो चल रहा है एकदम। अरे सही तो कर रहा हूं। हाँ इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी ऑफ डेल्टा टी। यार तुम्हें नहीं आया? अब सोच के देख इस डेल्टा टी को कहां ले आओ, नीचे। तो डी ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln। यार तुम्हें नहीं आया। अब देखना इस पूरी चीज को मैं कुछ तो मान लेता हूं सम कॉन्स्टेंट k डैश, बाद में रख देंगे इसको। इस पूरी चीज को क्या मान लेते हैं, k डैश। देखना कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो डी टी k डैश डी टी माइनस इक्वल टू डी ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी लिमिट, लिमिट जब समय शून्य था तो डेल्टा टी इज वॉट, चेंज इन टेम्परेचर। क्या दिस इज टी वन माइनस टी टू, दिस इज समय शून्य पे तो क्या चेंज इन टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू था? क्या किसी भी टाइम टी पे डेल्टा टी निकालना ही मेरा धर्म है? ये टी तो ध्यान से देख लिखा गया, इधर देखते हैं, एलेन ऑफ डेल्टा टी बाई टी वन माइनस टी टू इक्वल्स टू माइनस के डैश टी, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू ई की पावर माइनस के डैश टी। अरे तुम्हें चमका? वेयर के डैश इज दिस, जिस के डैश की वैल्यू आई के ए बाई एल। इतना खतरनाक आंसर आता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है, एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू अपॉन एम वन एस वन एम टू एस टू, ये आंसर। कई लोग सो लिए आउट ऑफ कोर्स। अरे भाई हाँ ना तो बोल। yes, नहीं आया? अरे तू ध्यान देखना, तो हमने कई वेरिएशन पढ़ लिए, हमने ए वेरिएशन पढ़ लिया, हमने एल वेरिएशन पढ़ लिया, हमने एल के का वेरिएशन पढ़, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? yes, हमने दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ लिया, या आखिरी में दोनों वेरी कर रहे हैं सारे टेम्परेचर के साथ। तो दीज आर वेरिएबल्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ये समझने के लिए अक्ल चाहिए। चलो कंडक्शन खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत एंड में मैं आपको कन्वेक्शन पढ़ा दूंगा, हालांकि कन्वेक्शन अपने कोर्स में नहीं। हेडिंग डालें रेडिएशन, हेडिंग डालें रेडिएशन। नहीं के भी होता है उसका, हाँ कुछ एक इफेक्टिव के भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इफेक्टिव के। वो बेसिकली समझ ले कि एयर और वो दोनों शो करता है, इफेक्टिव के मान लेते हैं, हालांकि उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। कहां पहुंचे अपन? रेडिएशन की मैं कुछ बातें बता चुका हूं, आज अभी चालू नहीं करेंगे प्रॉपर रूप से। रेडिएशन के बारे में बता चुका हूं, रेडिएशन कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर मैं कह रहा हूं इस पर बहुत ज्यादा आपको ज्ञान है नहीं, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड, और पूरा रेडिएशन उसी पे बेस है, थोड़ी फील आपको करनी पड़ेगी इसमें, है ना, थोड़े से मतलब इमेजिनेशन पार्ट ज्यादा रहेगा तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, याद कर मैंने इसको सब कुछ लिखा था पीछे, देख रेडिएशन के बारे में मैंने क्या क्या लिखा, मैंने लिखा दिया था ये पहले ही ना। हाँ सब कुछ लिखा था क्या, वेव बराबर, वो रिवाइज कर लो एक बार। चलो 5 मिनट दे रहा हूं, जो अभी तक पढ़ाया है सब पढ़ डालो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, अगले टाइम चालू करेंगे रेडिएशन।